वर्कशीट 5 व्हाट इज द टाइम पेज नंबर 77 इन कैनोपी टर्म 1 बुक सो किड्स दिस इज सम हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर बिफोर वी हैव टू एक्सप्लेन दिस वी हैव टू रीड द चैप्टर सो किड्स लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 5 व्हाट इज द टाइम सो किड्स बिफोर वी हैव टू डू विच चैप्टर Which chapter we have to do? Yes, time to play. Here we have to explain what is the importance of our time. Why we have to do work at a time? हमें काम time to time क्यों करना चाहिए? Because we have to not to do any work in a time we got late. हम late होते जाएंगे और हमारा जो वर्क होगा वो पेंडिंग होता जाएगा दैट्स वाई वी हैव टू डू आवर वर्क टाइम टू टाइम इसलिए हमें अपना वर्क टाइम टू टाइम करना चाहिए सो किड्स लेट्स स्टार्ट इट इज 8 o'clock 8 o'clock इट्स अ टाइम द मॉर्निंग टाइम 8 o'clock राज एंड सैम आर एट द बस स्टॉप 8 o'clock Raj and Sam go to the bus stop. They are wait for bus. They wait for the school bus. Who? Raj and Sam wait for their school bus in a 8 o'clock. It is 9 o'clock. Now they are at school. 9 o'clock they reach the school. It is 12 o'clock. It is time for lunch. In school, when 10 o'clock, they have to take their lunch. Raj and Sam eat their lunch. 12 o'clock, they take their lunch and Raj and Sam eat their lunch. It is 3 o'clock. Now, where are Raj and Sam? Yeah, they are in the school playground. Raj and Sam go to play. They play football. What they play? Football. Raj and Sam play football. 3 o'clock. Okay? Look, it is 6 o'clock. Now it is a time of evening. 6 o'clock. What does Raj do? Now, what does Raj do? He is at home now. Now they have to back to their home. He goes his homework. He does his homework. So now they have to doing their homework. Now it is 7 o'clock. Raj has dinner with his mother and father. Now Raj takes their dinner. In the evening time, they have to take their dinner. Time is 7 o'clock. They have to take dinner with their parents, mother and father. It is 10 o'clock. Raj goes to sleep. 10 o'clock, Raj go to sleep. This is the routine of Raj, daily routine. They have to go 8 o'clock for bus stop. They have to wait for their school bus. 9 o'clock, they have to reach. And 12 o'clock, they have to take their lunch. 3 o'clock they have to go playground and play football. After that they have to come back home. Time is 6 o'clock and 7 o'clock. 6 o'clock they have to do their homework also. And 7 o'clock they have to take their dinner and 10 o'clock they go to bed. So this is the routine of Raj and Shyam. So what they have to say? इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी वर्क है अगर हम टाइम टू टाइम करेंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट होगा और हम अपने काम से सेटिस्फाइड रहेंगे हमें किसी तरह का टेंशन नहीं होगा कि हमारा वर्क पेंडिंग है अगर हम डेली का वर्क जो भी होमवर्क है जैसे राज रेगुलर 6 o'clock अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है उसी तरह आप लोगों को भी अपना डेली वर्क जो आपको मिलता है होमवर्क वो आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना होता है ताकि आपका वर्क पेंडिंग ना रह जाए
और आप लोग ये सोचोगे हमें कल करेंगे या परसों करेंगे, इस तरह से आपका वर्कलोड बढ़ता ही चला जाता है और इससे आप लोग टाइम की वैल्यू को समझ नहीं पाते। तो टाइम वैल्यू इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो केस नाउ वन टाइम मोर आई एक्सप्लेन दिस। इट इज 8 o'clock, अब 8 बज रहे हैं। राज एंड सैम आर एट द बस स्टॉप। राज और सैम बस स्टॉप पर पहुंच गए हैं। दे वेट फॉर द स्कूल बस, वो अपने स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं। इट इज 9 o'clock, अब 9 बज रहे हैं। नाउ दे आर एट स्कूल, अब वो स्कूल पहुंच गए हैं। इट इज 12 o'clock, अब 12 बज रहे हैं। इट इज टाइम फॉर लंच, ये लंच का टाइम है, दोपहर के खाने का टाइम है। राज एंड सैम ईट देयर लंच, राज और सैम जो है अपना लंच खा रहे हैं। इट इज 3 o'clock, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। वेयर आर राज एंड सैम, अब राज और सैम कहाँ हैं। दे आर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, वो अब स्कूल के खेल के मैदान में मतलब प्ले ग्राउंड में है। दे प्ले फुटबॉल, वहाँ पर वो फुटबॉल खेल रहे हैं। लुक, देखो, इट इज 6 o'clock, अब शाम के 6 बज रहे हैं। वॉट डज राज डू, अब राज क्या कर रहा है। ही इज एट होम नाउ, अब वो घर पर है। ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा है। नाउ इट इज 7 o'clock, अब रात के 7 बज रहे हैं। राज हैज डिनर विद मदर एंड फादर, राज अपने रात का खाना खा रहा है अपने मम्मी और पापा के साथ। इट इज 10 o'clock, अब रात के 10 बज रहे हैं। राज गोज टू स्लीप, राज सोने गया। सो किड्स, आई होप आप भी इसी तरह से राज और सैम की तरह ही टाइम शेड्यूल को मेंटेन करेंगे। और सो किड्स, दिस इज हार्ड वर्क ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज 8 o'clock, 8 o'clock इज द टाइम स्कूल बस, व्हेन वी हैव टू गो टू स्कूल वी हैव टू टेक स्कूल बस। नंबर 3 लंच, लंच वी हैव टू टेक इन आफ्टरनून। नंबर 4 प्ले ग्राउंड वेयर वी हैव टू डू प्ले एनी गेम वी हैव टू प्ले देयर। नंबर 5 फुटबॉल इज द गेम ऑफ बिग बॉल इज देयर। नंबर 6 होमवर्क, when the teachers give any homework we have to do. So kids, this is the hard work of this chapter. Now we will do exercise. So kids, this is the grammar part of this chapter, page number 78. So let's start. The words which show action are called doing words or verb. So kids, वर्ड्स है, जिन शब्दों में हमें ये पता चलता है, बातों से हमें ये पता चलता है कि इसमें कुछ करने का बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और वर्ब, है ना। डूइंग वर्ड्स वर्ब्स को वर्ब बोला जाता है, जिसमें हम कुछ करने के बारे में सुनते हैं, जैसे कि जंप, शेक, डांस, जंप करना, शेक करना, हिलना, डांस करना, है ना। दिस अ वर्ब, डूइंग वर्ब। सो किड्स, जब हम किसी काम को करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसको हम वर्ब कहते हैं। सो किड्स, देयर इज वन पोयम, वी हैव टू डू दिस, लेट्स स्टार्ट। आई जंप, आई शेक, आई डांस, आई हॉप, आई लाइक टू मूव, आई कैन नॉट स्टॉप, आई रन आउटसाइड, आई लीप, आई स्किप, आई bounce, I slide, I swing, I flip, but I am still careful, I don't trip. So kids, this is a poem of this grammar part. Here we have to see all our words are verb. यहाँ पे जो भी words आए हैं वो सब के सब verb है। क्या है? I jump, jump करना, कूदना, shake करना, हिलना, डांस करना, नाचना, आई हॉप करना, जंप करना ये होता है उछलना, आई लाइक टू मूव मतलब इधर उधर घूमना। सो किड्स, ये क्या है,
जो इस काम को हम करते हैं, अपने बॉडी को जहाँ मूवमेंट दे रहे हैं उसे उस काम में लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। उसको क्या बोला जाता है? वर्ब बोला जाता है। आई कैन नॉट स्टॉप, इन सब चीज़ों को करने के लिए मैं रुकता नहीं हूँ, मैं नहीं रुक सकता हूँ। आई रन आउटसाइड, दौड़ने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। आई लीव, आई स्किप, मैं स्किपिंग करते हूँ, हाँ करता हूँ। आई बाउंस, मैं उछलता हूँ, जोर जोर से उछलता हूँ। आई स्लाइड, स्लाइडिंग में जाता हूँ। आई स्विम, मैं स्विमिंग करता हूँ, स्विंग मीन्स झूला झूलना। आई फ्लिप मीन्स फ्लिप मतलब उछलना, झूला झूलना, ऊँचे ऊँचे उछाले मारना। बट आई एम स्टिल केयरफुल, बट मैं इसमें भी ध्यान रखता हूँ। आई डोंट ट्रिप, मैं ठोकर खाने से बचता हूँ, डोंट ट्रिप। सो ऑल ऑफ दिस आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, जंप, शेक, डांस, हॉप, मूव, स्टॉप, आउटसाइड, स्किप, स्लाइड, फ्लिप, ट्रिप, ऑल आर डूइंग वर्ब। सो किड्स, दिस इज द ग्रामर ऑफ दिस चैप्टर। सो किड्स, आई होप यू टू क्लियर द टॉपिक, what is the time, what is the importance of the time, we have to do all our works in time schedule. So kids, I hope you have to clear this concept. If you have any doubt, any query, you will ask me on online session. Till then, bye bye all of you and take care.